सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं। तो आज डेट हो गई है 6 अप्रैल 2023 और टाइम हो रहा है लगभग 7:45 का, 6:45। और आज मैं अभी अभी अपना इंटरव्यू देकर आया हूँ। मैं बताता हूँ, मेरा SBI PO का आज इंटरव्यू था, और इंटरव्यू जो है वो गुड़गांव हरियाणा में था, स्टेट बैंक अकेडमी गुड़गांव हरियाणा, नियर इफको चौक। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बेसिकली 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जो ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे आपको अंदर जाके एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप गेट पे एंट्री करके, लगभग आपके जो टाइम होता है वहाँ पहुँचने का, उससे आधे घंटे पहले आपको वहाँ एंट्री दे देंगे। आप वहाँ पे अपनी एंट्री करते हो रजिस्टर पे और अंदर चले जाते हो। देन वहाँ जाके आपको वो एक रूम में बिठा देंगे जहाँ आपका पैनल बैठा होगा पूरा। और वहाँ जाके सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ हुई, वो हुआ हमारा बायोमेट्रिक। सो बायोमेट्रिक में वो TCS का एक पर्सन होता है, वो वहाँ पे अपना लैपटॉप लेके बैठा होता है, जिसपे 2 चीज़ें वो हमारी करते हैं। सबसे पहले वो हमारी फ़ोटो क्लिक करते हैं, उनके पास जो कैमरा होता है, एंड लेफ्ट आई का जो हमारा आयरिस स्कैन होता है, जो हमारे एग्जाम्स के टाइम पे भी होता है, वो एक करते हैं। और बायोमेट्रिक होने के बाद वो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको बायोडाटा फॉर्म में सारी डिटेल्स मेंशन होती है, किस फॉर्मेट में आपको किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट है या कुछ भी है, तो उनके पास सिंपल सा एक रूल होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट होता है उसका वो डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दोगे। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है बायोडाटा का, तो कुछ चीज़ें अगर आप नहीं भी मैंशन करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ ले जाइए और वहाँ पर वो आपकी फुल हेल्प करेंगे। बहुत ही आराम से बैठे होते हैं, 4-5 लोग होते हैं वहाँ पर, 4-5 बच्चों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, और बहुत आराम से बहुत मज़े से आपको हेल्प करेंगे वो, और बहुत ही कामली और बहुत सपोर्टिंगली वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है या आपके पास नहीं है उस टाइम पर, तो आप डिक्लेरेशन में लिख देना कि हम ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और अगर कोई आप फोटो कॉपी नहीं ले गए हो, तो उनके पास सारी मशीन्स होती हैं फोटो कॉपी की, स्कैनर प्रिंटर सब होता है, वहीं पे निकाल देते हैं, और इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन मैं बताऊँ, मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक था, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 मांगते हैं। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि आप डिक्लेरेशन में लिख दो कि आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर होगी तो आप प्रोवाइड करा दोगे। देन ये 2 प्रोसेस होने के बाद एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको कहते हैं EKYC। तो EKYC में वो आपसे आपका एक फिंगरप्रिंट लेंगे कोई सा भी, उनके पास जो छोटा सा डिवाइस होता है, एंड उससे वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे आपकी फ़ोटो और जो भी होता है, वो ऑफिस यूज़ के लिए उनके लिए होता है KYC का। तो इसके साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन सब का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, एंड आपको आराम से उसी रूम में बैठने को मिल जाता है काफ़ी देर तक, जब तक सबका प्रोसेस चल रहा होता है। और इनफैक्ट प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे मिल जाता है, और उस टाइम में आपको वो रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर आपका लंच टाइम चल रहा है उस टाइम पे, तो SBI वाले तो काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको लंच भी ऑफर करते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो हमारे में से तो किसी ने लंच नहीं किया था, क्योंकि हर कोई प्रिपेयर होके आता है इंटरव्यू के लिए, एंड थोड़ा बहुत इंटरव्यू का नर्वसनेस भी होती है, तो किसी ने लंच वगैरह नहीं किया, सब ने रिफ़्रेशमेंट ली थी। रिफ़्रेशमेंट की मैं फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे, क्या क्या रिफ़्रेशमेंट में मिलता है। एंड ऐसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, एंड इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे हम अपना ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है। सो अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।